आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बारे में कि मोतिया यदि आपकी आंखों में हो गया है तो उसका ऑपरेशन हमें कब कराना चाहिए। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पर आते हैं और उनकी आंखों में मोतिया का संस्कार पाया गया है, कहीं पे उन्होंने जांच कराया है या यहीं पे जांच कराते हैं और बताया जा रहा है कि उनकी आंखों में मोतिया है, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब हमें मोतिया का ऑपरेशन कब तक कराना चाहिए या कब करा लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मोतियाबिंद देर में यदि ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं रोशनी कम ना आए या रोशनी ख़राब ना हो जाए। तो बहुत सारे डाउट लोगों के मन में बने रहते हैं, तो इस डाउट को क्लियर करने के इस वीडियो को पूरा देखिए। दो पॉइंट हैं मुख्यतः, उसको आप समझ जाएंगे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना है इसको आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौधरी कंसल्टेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। जब कभी भी आपको मोतियाबिंद फाइंड आउट हुआ हो और अपने आँखों की आप अपने जाँच कराई हो, तो ऐसे समय में कुछ हद तक लोगों को चश्मा भी लगता है। चश्मा यदि आप जांच करा रहे हैं और चश्मे से आपको अच्छा विजन मिल रहा है, जैसे कि आप जांच कराने गए हैं आपका विजन 660 है विदाउट चश्मे के, और चश्मा लगाने के बाद 612 या 69 टेस्टिंग के बाद आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप चश्मा का यूज़ करें और मोतियाबिंद ऑपरेशन थोड़ा डिले में भी कराएंगे तब भी चल सकता है। दूसरा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मोतियाबिंद पक जाए तब कराएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मोतियाबिंद पकने का इंतज़ार आप नहीं करना चाहिए। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो है मोतियाबिंद पकने का इंतज़ार किया जाता था, क्योंकि उसमें लेंस को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता था और पेशेंट को अफेकिक छोड़ दिया जाता था, यानी कि लेंस इम्प्लांट नहीं किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब IOL लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं। तो मोतिया पकने पर जहाँ पर हम लेंस को बिठाते हैं उस कैप्सूल को बहुत ज़्यादा वीक नहीं होने देना चाहिए, यानी कि मोतिया बहुत ज़्यादा पकने नहीं देना चाहिए। जब मोतिया आपका पकता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में लेंस बहुत अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है और विजन बहुत अच्छा मिलता है। तो मोतिया जब पक जाता है तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि लेंस अच्छी तरीके से बैठने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि यदि आपका मोतिया पक चुका है तो ऐसे में ग्लूकोमा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में आँखों की नस हमारी सूखने लगती है जिससे रोशनी जाने का खतरा रहता है, तो वह रोशनी पुनः वापस नहीं आ पाती है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में भी। तो मोतिया को पकने का इंतज़ार मत करिए। जब आपको चश्मा लगाने के बाद में किसी को पहचानने में असुविधा हो रही हो, अच्छे से पहचान ना पा रहे हों कुछ दूरी पर 10-20 मीटर की दूरी पर, तो आपको मोतिया का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चश्मे के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या ड्राइवर हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में है, आपने अपनी आंखों की जांच कराई और आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो थोड़ा बहुत रोशनी में आपका डिफरेंशिएशन आने लगे जैसे ड्राइविंग करते समय कहीं आने जाने में, तो भी आपको मोतिया का ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बाहर चलेंगे तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा चश्मे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा बहुत जैसे ही थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आने लगे विजन में तो आपको मोतिया का ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे, वीडियो पर कमेंट आते थे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराएं कब ना कराएं, तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप किस स्टेज पर हैं उससे आप थोड़ा बहुत आकलन लगा सकते हैं कि मेरा चश्मे से कितना रोशनी आ रहा है या फिर चश्मे के विदाउट कितना रोशनी आ रहा है, थोड़ा आकलन करके आप अपने मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। तो वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।